थे। अभी मैं पंजाब चुनाव से आया हूँ, पंजाब में मेरी ड्यूटी लगी थी, तो इसी दौरान मुझे जानकारी मिली कि यहाँ पे एक ज्ञापन दिया गया था। अभी जो विधायक है यूनुस खान जी, तो उन्होंने जो ज्ञापन दिया उसी के बारे में मेरा मन किया कि आप लोगों से चर्चा करें, जनता के बीच में जो मुझे लगा वो बातें जानी चाहिए। तो सबसे पहले तो मेरे मन में एक सवाल उठा कि जब 2018 से लेके 23 के बीच में विधायक था, तब ये जो माननीय यूनुस खान जी हैं जो विधायक हैं, इन्होंने जनता के लिए एक भी ज्ञापन नहीं दिया। चुनाव के दौरान ये आए और लगातार ये कहते रहे भ्रष्टाचार हुआ है, भ्रष्टाचार हुआ है। 6 महीने के अंदर इन्होंने ये बोला था कि मैं 6 महीने में सारे काम करा दूंगा। तो मुझे तो ये समझ नहीं आता कि 6 महीने में क्या आपने एक भी भ्रष्टाचार का मामला उजागर किया, आपने एंटी करप्शन में कोई शिकायत की, और अभी भी आप ये बोल रहे हैं कि भ्रष्टाचार जारी है। तो फिर आपके विधायक बनने के बाद बदलाव क्या हुआ? क्या ये आपका दायित्व नहीं है कि आप विधायक बने, भ्रष्टाचार रोके? क्या ये आपका दायित्व नहीं है उस पर आप काम करें? ये अनर्गल बातें हैं। और हम चूंकि आज विपक्ष में हैं, तो हमारी ये मैं मानता हूं जिम्मेदारी बनती है कि जो इन्होंने कहा था वो जनता के सामने लेके आए। इन्होंने ये कहा था कि मैं डीडवाना में एयरपोर्ट बना दूंगा, तो मैं पूछना चाहता हूं कि क्या जमीन का सर्वे हो गया एयरपोर्ट के लिए? क्या कोई ऐसी एजेंसी यहाँ पे आई है जो कि एयरपोर्ट बनाने के लिए सक्षम हो, जिसने कोई जमीन देखी हो? या आपने खोखले वादे किए थे, धन बल के आधार पे आप चुनाव जीत गए, और इसके बाद में लोगों की जो उम्मीदें हैं उनसे आपको कोई सरोकार नहीं रहा? कभी मैं एक दिन इनका इंटरव्यू देख रहा था, तो एक कोई पत्रकार जी है, मुझे उनका नाम ध्यान नहीं आ रहा, उसको बोल रहे थे हम तो इधर के भी नहीं है, हम तो उधर के भी नहीं, हम तो बीच वाले। अब इसके क्या मायने हैं? अभी कुछ रोज पहले बोल रहे थे उसी दिन कि जनता बोले कि तुम्हें झाड़ू लगाऊंगा, तो अभी मेरे पास आज सुबह एक फोन है एक बाबा का कि यूनुस खान जी झाड़ू काट देगी। तो मैं तो बोलता हूँ कि 1.5 घंटे सुबह, 1.5 घंटे शाम को आप झाड़ू लगाइए अगर ये कर सकते हैं। झाड़ू लगाना विधायक का काम नहीं है, विधायक का काम है जनता की जो मांगे हैं, जनता की जो उम्मीदें अपेक्षाएं उन पर आप खरा उतरे। भ्रष्टाचार की बात यूनुस खान जी कर ही नहीं सकते। लोगों से बात करो तो ये बोलते हैं कि यूनुस खान जी बड़े पैसे वाले हैं। मैं पूछा कैसे पैसे वाले? वो तो मंत्री रहे, क्या मंत्री बनने से आदमी पैसे वाला बन जाता है? लोगों के बीच में ये धारणा कैसे है कि यूनुस खान पैसे वाले हैं? आपके पास पैसा कहां से आया? लोग ऐसी बात क्यों सोचते हैं? और मैं आपको बताना चाहता हूं कि डीडवाना के इतिहास में आज दिन तक का सरकार में रहते हुए सरकार की मदद से सबसे बड़ा भूमि घोटाला किसी ने किया है वो यूनुस खान जी ने किया है। डीडवाना के अंदर रॉयल मार्केट के सामने जो सरकारी जमीन थी, जहां की सरकारी स्कूल था, उसको इन लोगों ने कब्जा लिया सरकार की मदद लेके, और आज दिन तक वो इन्होंने कब्जा रखा है। अगर इनकी नीयत ठीक होती तो उसकी जो वर्किंग कमेटी है उसके अंदर वो कलेक्टर को डाल सकते थे, SDM ADM को डाल सकते थे, नहीं इसके बनिस्पत खुद उसके आजीवन संरक्षक बन के बैठे हैं। और वो जो एग्रीमेंट था जमीन हड़पने का सरकार की मदद से इन्होंने किया, वो एग्रीमेंट का 8वां बिंदु ये बोलता है कि जब भी डीडवाना के अंदर राजकीय महिला महाविद्यालय बनेगा तो हम ये भूमि वापिस सरकार को समर्पण कर देंगे। आज 3 साल के करीब वक्त हो गया है, क्या इन्होंने वो जमीन वापिस दी? यूनुस खान जी को ये जवाब देना पड़ेगा, क्या आपने एयरपोर्ट बनाने का वादा किया था वो पूरा किया? क्या आपने वो एग्रीमेंट जिसमें कि वो जमीन आपने सरकारी अरबों रुपए की कब्जा ली और आप उसके संरक्षक बन गए, वो आपने वापस सरकार को दिए? और बड़ी अजीब सी बातें हैं, बोलते हैं कि मैं धन्यवाद देना चाहता हूं वसुंधरा राजे को, जिला बन गया। वसुंधरा राजे के टाइम सिर्फ एक जिला बना था, प्रतापगढ़, और ये यूनुस खान जी उस वक्त मंत्री थे, और मेरे पास ये जानकारी ये गए थे वसुंधरा जी के पास, मैडम मैडम मेरे भी जिला बनाओ। मैडम ने बोल दिया यूनुस चुप, मंत्री बना दिया। यूनुस खान जी ने आवाज नहीं उठाई। इस तरह के लोग हैं, काम करने के लिए आपको क्षमता चाहिए। क्या ये अस्वीकार कर सकते हैं इस बात से कि डीडवाना में SP नहीं बैठता? क्या अस्वीकार कर सकते हैं कि यहाँ सिर्फ पुलिस लाइन नहीं है, यहाँ कलेक्टर नहीं बैठता, यहाँ पे जिला परिषद का कार्यालय नहीं है, यहाँ नगर परिषद नहीं है, जिला अस्पताल नहीं है, यहाँ मेरे ही कार्यकाल के दौरान 1/32 का GSS बना, इसके अलावा लोरोली GSS बना, बरांगना GSS बना, खोजास GSS बना, दुदोली GSS बना, सेरानियाबाद GSS बना। कल ये बोल रहे थे 2 दिन पहले
सैरानियाबाद जीएसएस तैयार हो चुका है, इनको जानकारी नहीं है, वहां अभी तक पावर ट्रांसफार्मर नहीं आया है। मैंने जो काम करवाया, मैं आज दिन तक उनकी रिपोर्ट लेता हूँ, उस काम की क्या स्थिति है। मैंने जो सड़कें सेंक्शन करवाई उनकी लेता हूँ, इनको कहीं कोई जानकारी नहीं है। इतने सारे कार्यालय खुल गए, उसके बाद ही बोलते हैं कि वहां पे खड़े होकर कलेक्टर ऑफिस में बोलते हैं ये जनहित में नहीं है। क्या डीडवाना जिला बनना जनहित में नहीं है? यूनुस खान जी के लिए जनहित में नहीं है, क्योंकि इनके लिए जनहित में तभी होता जब ये स्वयं मंत्री बन जाते। इनको पता ही नहीं मंत्री काम कैसे, मंत्री नहीं विधायक काम कैसे करेगा। ये विधायक बन के अब डिप्रेशन में चले गए, इनको समझ नहीं आ रहा मैं काम कैसे करूं। लोगों को उल्टी सीधी बातें कर देंगे, 6 महीने में फला करा देंगे, आज कुछ करवा नहीं पा रहे हैं। तो मेरा आप लोगों के माध्यम से एक और आरोप लगाया कि चेतन डूडी ने पाप किया है, उनको गंगा नहाना चाहिए। और उन्होंने बोला कि वो कहीं बोटिंग कर रहे थे, मैं बोटिंग जहां कर रहा था उस जगह का नाम भांगड़ा नांगल डैम है, और वो नदी जो थी वो सतलज थी, और उसके अंदर ब्यास का पानी आता है, और 40,000 स्क्वायर किलोमीटर के अंदर किसानों को वहां से खेती के लिए पानी मिलता है। यूनुस खान जी को जानकारी नहीं, और गंगा जी का नाम लें ये यूनुस खान जी को कहीं शोभा नहीं देता है। गंगा माँ का नाम लेते हैं प्रायश्चित करना चाहिए, यूनुस खान जी के अधिकार नहीं है कि हमारी धार्मिक भावनाओं को कहीं पर ठेस पहुंचाए। इनको ये इनको मैं बताना चाहता हूं, पाप अगर किसी ने किया तो यूनुस खान ने किया है। इनके जब ये मंत्री थे, डीडवाना से विधायक थे, तो पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे डीडवाना में लगे, डीडवाना के लोग उसको भूल नहीं सकते। ये जब यहां से मंत्री थे विधायक थे तो डीडवाना में मकान तोड़े गए, दुकानें तोड़ी गई, मालियान सब्जी मंडी तोड़े, तो डीडवाना में मकान तोड़े गए, दुकानें तोड़ी गई, मालियान सब्जी मंडी तोड़ी गई, और मैंने वही मालियान सब्जी मंडी वापिस ही नहीं बनवाई, 2 मंजिला बनवाई, और 2 मंजिला नहीं बनाई, उनको 6 फीट जगह एक्स्ट्रा दी, जबकि इन्होंने तोड़ फोड़ का काम किया। लगातार इन्होंने ऐसे काम किए जिसकी वजह से पाप का अगर कहीं कोई हो तो उसके भागीदार यूनुस खान जी है। मैं आपको बताना चाहता हूं, उन्होंने पावा मंडूकरा खाटू और पीड़वा जैसी ग्राम पंचायतों को मोलासर के अंदर मिलाया था, क्या वो पाप नहीं था? इन्होंने लगातार ऐसे काम किए हैं जो कि लोगों की भलाई से उसका कोई सरोकार नहीं रहा, सिर्फ अपनी, जिसे कहते हैं अपनी मनोस्थिति, अपने विचार से अपने को ठीक लगा, खुद को ठीक लगा वैसा कर दिया। तो मैं आप लोगों से ये बताना चाहता हूं कि इस व्यक्ति को ना लोगों से मतलब है, और हम अगर आवाज उठाते हैं यूनुस खान जी को, अभी तो सिर्फ मैंने 2 ही पोस्ट की उससे तकलीफ हो रही है, यूनुस खान जी विचलित होने की जरूरत नहीं, ऐसी पोस्ट मैं लगातार करता रहूंगा, और जो जो आपने वो लोगों से वादे किए थे, जो जो चुनाव के दौरान बातें की थी, वो लगातार लोगों के बीच में आएगी। और आप ये बोल मत भूलिए 10 साल पहले जो आपने गलत की थी, मैं लगातार वो बातें भी लोगों के सामने लेके आऊंगा।